अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए उस टॉपिक से बढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में मैट्रिक्स में, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स? सपोज कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ रो है, दैट इज R1, R2 और इस तरीके से सपोज R3 है, ठीक है, और यहाँ पे आया C1, C2, सपोज C3, ठीक है, इस तरीके से। R का मतलब रो है, C का मतलब कॉलम है, ठीक है, बताने की नीड नहीं है। सपोज कोई ऐसा मैट्रिक्स है, जनरली इस तरीके का मैट्रिक्स होता है 3x3 का, चाहो तो आप जितने भी रो कॉलम ले सकते हो, क्लियर है। तो फर्स्ट बात करते हैं, सपोज किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में मैं इन दोनों रो को चेंज कर देता हूँ, दैट इज R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, या फिर C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, या फिर C3 C2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, क्लियर है। तो मैं पहला स्टेटमेंट ले रहा हूँ रो के लिए, बस मैं नाम लिख रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मेरे को क्या करना है, सिर्फ रो से खेलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि तरीके से रो के साथ बस हम क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे। तो अगर मैं सपोज रो के में जगह दैट इज R1 को मैं क्या किया, इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, क्लियर है। एक तो ये हुआ, इसको वही बोला जाता है, इसको बोला जाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइप है ये। सेकेंड है, किसी रो में सपोज रो 2 है दिख रहा है ये, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दैट इज के रो 2 कर दिया। एंड थर्ड मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा साथ ही साथ किसी रो में दैट इज R3, सपोज मैं ऐसे लिखा, मैंने R3 के जगह पे मैंने क्या किया, R3 प्लस किसी रो में किसी मल्टी क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको एड कर दिया, क्लियर है। इस तरीके से मैंने ये तीन ऑपरेशन किया, ठीक है। इन तीनों ऑपरेशन करने के बाद, समझ रहे हैं, इन तीनों ऑपरेशन करने के बाद कोई भी इनमें से किया, मैं चाहे ये करूं, ये चाहे ये करूं, चाहे ये करूं, या फिर साथ में इनको करूं, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा, पता है ना, इतना ये अगर ऑपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ दूसरा मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको बोला जाता है रो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों को अप्लाई करने के बाद अगर सपोज कोई भी मैट्रिक्स आता है, कोई मैट्रिक्स आता है, तो इसको बोला जाता है रो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, क्लियर है, ठीक है, इसको बोला जाता है रो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। मतलब इसका मतलब सीधा सा बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं, मैं रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया उसमें किसी, या फिर किसी रो को में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इस किसी रो में क्या किया, किसी रो में उस रो के साथ साथ किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं ये ऐड है, ये के निगेटिव भी हो सकता है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो ये तीनों अगर ऑपरेशन, ये तीनों क्या है, एक तरीके से ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, ऑपरेशन है। ये तीनों में से कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, या फिर तीनों में से कोई दो को ऑपरेशन लेता हूँ, या फिर तीनों को लेता हूँ, तो इसके बाद ये ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको रो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स बोला जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। इसका मैं आगे यूज करूंगा, कैसे यूज करना बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में इस तरीके से मैं ये जो तीन टाइप के ऑपरेशन है, ये तीनों ऑपरेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स निकालता हूँ, तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसको रो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है सभी को? यस या नो बताएंगे? हाँ ना, बताओ भाई, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ में आएगा। बस क्या किया मैंने, रो को आपस में इंटरचेंज किया, या फिर किसी रो में किसी का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर किसी R3 में क्या कह जा, R3 की जगह पे R3 प्लस KR2, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करता हूँ तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स है उसको रो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बोलते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स इसे प्रोसेस को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से सपोज मैं क्या करता हूँ, आपस में कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, C1 C2 कर दिया, या फिर किसी कॉलम में कोई K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर क्या करूँ C3 में क्या करता हूँ, इसके जगह पे मैं क्या किया C2 प्लस के C3 प्लस के C3 C2 कर दिया, C3 प्लस के C2, यानी कि यही जो ऑपरेशन था मैं कॉलम के साथ करता हूँ, क्लियर है, कॉलम के साथ करता हूं, तो आउटपुट में जो मैट्रिक्स आने वाला है उसको बोला जाता है कॉलम ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, क्लियर है।
तो एक तरीके से मैं बस अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जिसमें रो में आपस में इंटरचेंज कर दिया, या फिर किसी रो में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर किसी रो के साथ साथ उसमें कुछ दूसरा रो को ऐड किया विथ मल्टीप्लाई बाय सम कॉन्स्टेंट, तो उसको क्या क्या बोला जाता है। इस तरीके के तीन जो ऑपरेशन होता है इसको बोलता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद जो मैट्रिक्स आता है उसको बोला जाता है रो या फिर कॉलम इन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आगे पढ़ेंगे हम, यूज समझेंगे क्या हो रहे वाला है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रो को आपस में चेंज कर सकते हैं या कॉलम एक कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थर्ड है इस तरीके का ऑपरेशन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इससे रिलेटेड है, मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आपका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या बोलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देख लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हो गया नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि एम क्रॉस एन मान लेता हूं। ठीक है, एम क्रॉस एन का कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप उसका जो रैंक है वो कैसे निकालेंगे, रैंक क्या होता है, तो पहले निकाल लेते हैं। सपोज कोई इसका रैंक आर है, ठीक है, क्या है रैंक आर है, तो लिखेंगे आर इज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इफ इफ फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलता है कि आर इज, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक साइज है, यहाँ पे एक ये क्या है इसका साइज है। आपको पता है ना सब मैट्रिक्स क्या होता है, ये बताएंगे, मैंने अब पहले ही बताया था सब मैट्रिक्स क्या होता है, बताएं। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे मेरे को सब मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए बताएं सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एग्जैक्टली पार्ट ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैथ्स का डेराइव मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कैसा है, जैसे कि सपोज इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, इसमें तीन रो कॉलम है इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसे दो को ले लिया, कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स अपने पास बनता है उसको बोला जाता है इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, यानी इस तरीके से कह सकते हैं उसका छोटा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। देयर इज क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन मैट्रिक्स ऑफ साइज आर, वन स्क्वायर, एक सेकेंड ना, एटलीस्ट वन, मैं इसको लिख रहा हूँ एक्चुअली, इसका डेफिनेशन जो लाइन लिख रहा हूँ ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ अच्छे से। इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ आर आर हुज डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, एंड सेकेंड क्या बोलना चाह रहा है, सेकेंड बोलता है देयर इज मैट्रिक्स ऑर्डर आर प्लस वन सब मैट्रिक्स आर प्लस वन डिटरमिनेंट जीरो। अब चलिए देखेंगे, मैं कुछ यहाँ पे लाइन लिखा है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखा है, देखेंगे कोई भी मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसका साइज मान लेते हैं एम क्रॉस एन है। ठीक है, अब क्या है इस एम क्रॉस एन है ये कुछ साइज है उसका। ठीक है, उसके कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, उसके कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आर उस मैट्रिक्स का, किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, आर उस मैट्रिक्स का रैंक तब कहलाएगा जब जब वो उसका डिटरमिनेंट, जब उसमें से उस मैट्रिक्स में कुछ सब मैट्रिक्स निकाला। ठीक है, वो सब मैट्रिक्स निकालने के बाद वो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो नॉट जीरो आए।
क्लियर है। तो आर क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा उसका रैंक हो जाए, बट प्रोवाइडेड ये भी होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट ये भी फॉलो होना चाहिए कि क्या आर प्लस वन यानी कि रैंक से ज्यादा वाले ऑर्डर वाले जो सब मैट्रिक्स है, ठीक है, ये तो आर उसका रैंक हो गया, इससे ज्यादा वाले का जितना भी डिटरमिनेंट है वो जीरो आना चाहिए। समझ में आ रहा है इस चीज को? यानी कि सपोज देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, मान लेते हैं 4x3 का कोई मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, 4x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर से मैंने क्या किया, कुछ मैट्रिक्स निकाला। अब देखेंगे 4x3 है, मैक्सिमम इसमें कितने का स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, मैक्सिमम की बताएंगे, 4x3 में मैक्सिमम साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स कितना निकल सकता है यहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स कितने साइज का निकल सकता है, तो 3x3 का निकल सकता है, ठीक है। एक तरीके से यहां पर से 3x3 के सब मैट्रिक्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे यहां पर से, सब मैट्रिक्स निकलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब इस सब मैट्रिक्स में से बहुत सारे सब मैट्रिक्स निकलेंगे, दो तीन जो भी निकलेंगे उनका मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेट निकालूंगा, क्या करूंगा उनका मैं डिटरमिनेट निकालूंगा, क्लियर है, ओके। उसके अलावा फिर से मैं 3x3, अब यहाँ से 2x2 का भी तो निकल सकता है और 1x1 का भी निकल सकता है, 1x का नहीं देखते हैं सिंपली 2x2 तक देखते हैं, ठीक है। तो 3x3 और 2x2 का यहाँ पर से क्या निकलेगा, सब मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3x3 के सिर्फ एक तो नहीं निकलेगा, बहुत सारे निकलने वाले हैं, जो भी दो तीन चार जो भी निकलेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 3x3 का निकलेगा कुछ, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, ये आ गया जीरो, ठीक है, क्या आ गया जीरो। और यहाँ पे ये आ गया आपका 2x2 के भी बहुत सारे निकलेंगे, उसमें से कोई हो सकता है उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए, तो उसका रैंक आ जाएगा 2, ठीक है, उसका रैंक आ जाएगा 2। क्या देखेंगे ये जो मैंने बताया क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पहला क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट ऐसा स्क्वायर में सब मैट्रिक्स जो कि अगर उसका रैंक आर है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, दिख रहा है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो रहा है, यानी कि आर हो गया आपका यहाँ पे 2, और जो भी आर दैट इज आर प्लस वन है उनका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि आर प्लस वन कितना हो गया यहाँ पर, आर प्लस वन दैट इज 2+1 कितना हो गया 3, यानी 3x3 वाले सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है आर, ये जो है ना एक साइज है, ठीक है, साइज ऑफ सब मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ क्या है ये, आर जो है साइज ऑफ सब मैट्रिक्स है। अब बताएं वो सब मैट्रिक्स, वो आर जो वो साइज वाला सब मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट निकालने पे वो जीरो ना हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और अगर ये आर उसका सर रैंक है तो आर प्लस वन वाले जितने भी उनका डिटरमिनेंट निकालें वो जीरो आना चाहिए। बात समझ में आई, यस या नो, क्या मैं बोलना चाह रहा था, क्लियर हुआ डेफिनेशन रैंक की क्या होता है? अगर कोई एम क्रॉस एन नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन जो है आर आपका क्या है उसका साइज है, सॉरी आर उसका कोई साइज है, रैंक है आर है, उसका सब मैट्रिक्स मैंने निकाला, ठीक है, कुछ सब मैट्रिक्स निकाला, अगर आर उसका रैंक हुआ तो मतलब कि इस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जीरो आना नहीं चाहिए, दैट इज डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन आर प्लस वन वाले जितने भी हैं उसका क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट जीरो होगा, तब जा करके ये जो आर है उसका रैंक कहलाएगा, ठीक है, यस या नो। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आया, दो तीन लोग बस यस बोल रहे हैं, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो बताया यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप का डेफिनेशन है, बट समझ जाएंगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे कि कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, हाँ चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज कोई आपके पास 6x5 का आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, देखेंगे देखेंगे, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये जो स्टेट ये जो डेफिनेशन है ना, सभी को लग रहा होगा कि कंफ्यूजन है, रैंक आता है सभी को, ये डेफिनेशन उठा के सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक दो नंबर कटे मत, ये डेफिनेशन में डायरेक्ट पूछ देगा आप लोगों से कि ऐसा ऐसा है तो दोनों को क्या आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए क्लियर कर लेंगे। तो देखेंगे 6x5 ये इस टाइप का मैट्रिक्स है, क्लियर है, इसमें 5x5 का मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बहुत सारे निकलेंगे, 4x4 का निकला, 3x3 का निकला और 2x2 का निकला, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, सपोज मैंने 5x5 के जितने भी मैट्रिक्स निकाला उनका डिटरमिनेंट निकाला तो वो जीरो आया, ठीक है, इसका 4x4 का निकाला उनका भी डिटरमिनेंट क्या आया, जीरो आया, और वहीं पे 3x3 का निकाला तो इसका जीरो नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, और 2x2 का भी जीरो नहीं आया।
अब मेरे को देखेंगे डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए, यानी कि इसका रैंक हो जाएगा, इस वाले जो 6 बाय 5 का आया उसका रैंक हो जाएगा 3। ये साइज है सब मैट्रिक्स का जो कि रैंक कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाले दैट इज R+1 से जो भी ऊपर आने वाले हैं वो सब वाले मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे आपके, उसके डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए। दैट इज R+1, R+2, जो भी R से ऊपर वाले मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो होगा, तभी R है उस जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक होगा। क्लियर है? क्या होगा ये? उसका रैंक होगा। क्लियर है? यस या नो बताएं? ठीक है, R-1 का यूज नहीं है, नहीं है यूज नहीं है। ये देखेंगे अगर सपोज ये जीरो भी आ जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है ये। अब मैं इसको छोटे से फॉर्म में, देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आप लोगों को डिस्कस किया, नहीं तो मैं करता भी नहीं, ठीक है। याद रखेंगे, अगर सपोज ये बात अगर ऐसा हुआ कि 2 बाय 2 का आया ये जीरो आ गया, तो आपको बस ध्यान रखना है ये जो मैक्सिमम जो आ रहा है ना इसके बारे में बात करना है, जहां पे आपको जीरो मिल गया उसके बारे में, जहां पे नॉन जीरो मिला वो आपका रैंक हो जाएगा। क्लियर है? जो जहां पे नॉन जीरो मिला वो आपका क्या कहते हैं, नॉन जीरो मिला ये आपका हो जाएगा रैंक हो जाएगा। क्लियर है इस तरीके से? ओके, चलिए मैं इसके लिए एक छोटा सा लाइन लिखूंगा, ठीक है। माइनर पता है क्या होता है? बताएंगे माइनर क्या होता है? माइनर भी तो एक सब मैट्रिक्स है क्या? यस या नो बताएं? हम माइनर कैसे निकालते हैं? पार्ट होता है जो भी माइनर निकाला था, हमने सीखा था ना कि कुछ रो और कुछ कॉलम को किसी भी एलिमेंट का कोई उस करिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देते थे, ठीक है, और उसमें जो उसका डिटरमिनेंट निकाल देते थे वही तो माइनर कहलाता था, ठीक है। तो रैंक क्या है? रैंक जो है छोटा सा डेफिनेशन है, साइज ऑफ लार्जेस्ट लार्जेस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये सीधा सीधा आपका डेफिनेशन है समझने के लिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या लिख रहा है यहाँ पे? रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो है साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब नॉन जीरो का मतलब है यहाँ पे उसके डिटरमिनेट से रिलेटेड है, डिटरमिनेट, ठीक है। लार्जेस्ट नॉन जीरो, साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, एक सेकेंड ना, साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि देखेंगे यहाँ पे ये भी तो सब सभी जो 5 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, ये भी उसके क्या है, माइनर आ रहे थे क्या ये? यस या नो? ये जो माइनर आ रहे थे तो उसमें लार्जेस्ट नॉन जीरो दिख रहा होगा, लार्जेस्ट नॉन जीरो यहाँ पे क्या है, 3 क्रॉस 3 है। सपोज ये नॉन जीरो नहीं आता, ठीक है, ये क्या होता, 2 क्रॉस 2 क्या होता, नॉन जीरो नहीं आता। बट मेरा स्टेटमेंट, एक सेकेंड यार, ठीक है, क्लियर है ना? अभी वीडियो बताएंगे, अटका तो नहीं वीडियो? नहीं अटका है ना, इसलिए कॉल आया था इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर 2 क्रॉस 2 भी आता नॉट इक्वल टू जीरो, 3 क्रॉस 3 भी इक्वल टू आता नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो आता, तो आप कौन सा लेंगे? मैं इसमें नाम से दिख गया क्या, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। अब इसमें लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि ये है लार्जेस्ट है जो कि नॉन जीरो आपको मिल रहा है। क्लियर है? चलिए जैसे सपोज ऐसा होता, मैं आपसे आप लोग से पूछ रहा हूँ, चलो मैंने 6 बाई 5 को कोई मैट्रिक्स लिया, 6 क्रॉस 6, सपोज 6 क्रॉस 7 का लिया, 5 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 2, आपने सभी जितने भी सब मैट्रिक्स है उनका क्या निकाला, आपने डिटर्मिनेट निकाला, ठीक है, सब मैट्रिक्स निकले ये, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो आया, ये इक्वल टू नॉन जीरो आया, ये इक्वल टू जीरो आया, ये इक्वल टू नॉन जीरो है, ये इक्वल टू नॉन जीरो। बताएंगे रैंक कौन सा होगा, रैंक क्या आएगा इसमें? अब इस केस में इसका रैंक क्या आना चाहिए, बताएंगे रैंक आएगा 5, ठीक है, रैंक आएगा 5। 5 क्या है, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर दिख रहा होगा, ये देखेंगे नॉन जीरो तो ये भी है और ये भी है, बट आपको बात करना है लार्जेस्ट की, बात करना है तो लार्जेस्ट तो 5 है, सीधी सी बात है जो कि नॉन जीरो है, ये आगे बीच में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले जितने भी आए, सपोज ये जितना भी हो 6 बाय 7 बाय 7 का है, 8 बाय 8 आता है इसका, 9 बाय 9 आता, इनको कंडीशन होनी चाहिए जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं हुआ इनमें से किसी में से भी एक जीरो नहीं हुआ तो इसका रैंक नहीं हो जाएगा, इसका रैंक आ जाएगा 8। क्लियर है?
समझ में आया? तो वही स्टेटमेंट को जो सेकेंड लाइन था स्टेटमेंट वो बोलना चाह रहा था। पहला स्टेटमेंट ये बोला था कि वो मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू डिटरमिनेंट निकाले तो नॉन जीरो आए, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड स्टेटमेंट ने ये बोला था कि उसके ऊपर वाले जितने भी मैट्रिक्स आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दैट इज आर प्लस वन होना चाहिए, उसको जीरो होना चाहिए, तभी जो आर है वो उस रैंक उस मैट्रिक्स का क्या है, रैंक होगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? यस या नो बताएं? तो ओवरऑल समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट है, रैंक एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब रैंक का यूटिलाइज करेंगे आगे, ठीक है, रैंक का यूज करेंगे। पहले रैंक निकालना सीख लेते हैं, रैंक को प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, अच्छी बात है, ठीक है। तो रैंक के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद रैंक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, रैंक के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका रैंक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, ठीक है। तो सपोज कोई मैट्रिक्स आर है जिसका, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ना, आर ए, मतलब कि ए का रैंक है आर, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चा? आर के बाद अगर कोई भी मैट्रिक्स आर प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या होगा? अगर वही मैंने जस्ट बताया, सपोज आर के बाद आर प्लस वन जो भी नया मैट्रिक्स हुआ तो ये आर प्लस वन वाला जो नॉन जीरो हो रहा है ना वो उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी रार तो सेकंड, यानी कि देखेंगे पहला उसने क्या बोला, पहला जो स्टेटमेंट बोला था कि आर के लिए तब होगा जब वो नॉन जीरो हो जाए उसका डिटर्मिनेट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोला था। सेकंड ये बोला था कि आर प्लस वन उसका क्या होना चाहिए, सभी जीरो होना चाहिए, ये स्टेटमेंट बोला था, ठीक है। अब आपने क्या बोला, तभी ये क्या हो जाएगा, आर जो है उसका रैंक होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगे, तभी आर उसका रैंक कहलाएगा। लेकिन आपने क्या बोल दिया कि आर प्लस वन नॉन जीरो हो गया, तो सीधी सी बात है सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया उसके लिए, फॉल्स हो गया, तो आर उसका रैंक नहीं होगा, ठीक है। अब ये आर प्लस वन जो जो भी रैंक है नॉन इक्वल टू जीरो हो रहा है वो उसका रैंक हो जाएगा। क्लियर है वर्षा? क्लियर हो जाना चाहिए यार अभी तक तो, ठीक है। अब देखेंगे, अगर कोई देखेंगे आर है, आर ए इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है, दैट इज आर ए है, यानी ए का रैंक है आर, ओके, आर ऑफ रैंक इस तरीके से है। तो ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज इस तरीके से, सपोज एक सेकेंड ना, आर है उसका ट्रांस इस तरीके से और आर ए ट्रांसपोज दोनों सेम होता है, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका रैंक निकला और उसका ट्रांसपोज निकाल करके मैंने उसका रैंक निकाला तो दोनों सेम ही आता है, ठीक है। फर्स्ट तो प्रॉपर्टी ये है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन है, ठीक है, तो रैंक जो होगा वो शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एम एन। क्लियर है? ये होगा ऑब्वियसली, क्योंकि या तो एम क्रॉस एन में दिख रहा होगा आप लोगों को कि एम क्रॉस एन का है, तो जो सब मैट्रिक्स होने वाला है तो ऑब्वियसली इस एम क्रॉस एन से छोटे होंगे सभी कोई, तो हो सकता है वो एम के बराबर हो या फिर एन से छोटे हो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया, दैट इज एक ये प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा रैंक ऑफ, सपोज कोई दो मैट्रिक्स है दैट इज ए एंड बी, ये हमेशा आपके ये जो है हमेशा लेस देन होते हैं रैंक ऑफ ए, एक सेकेंड ना, लेस देन होते हैं रैंक ऑफ ए एंड रैंक बी से, ठीक है। दो मैट्रिक्स सपोज ए एंड बी है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रैंक आने वाला है वो हमेशा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से कम होंगे, ठीक है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स का भी रैंक होता है? हाँ, सभी मैट्रिक्स का रैंक होता है, याद रखना। मैंने क्या बताया था, मैंने जस्ट लिया था फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में बात की थी, तो एम क्रॉस एन होगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी मैट्रिक्स आएंगे उनका रैंक निकलेगा 3 क्रॉस 3, ये जनरली नहीं नॉन स्क्वायर, कोई भी एनी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एनी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर भी आ गया तो भी आपको आपको क्या आएगा, एक तरीके से लिख सकता हूँ, लिखना था रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिखना था मेरे को, ठीक है, फॉर रेक्टेंगल मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर तो स्क्वायर आता ही है, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के लिए भी आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेंगे। फॉर नॉन स्क्वायर नहीं लिख करके उसको लिखेंगे क्या कहते हैं, फॉर रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आ गया, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी।
ओके सर, अगर मैट्रिक्स में 0 आता तो उसका रैंक क्या होगा, 0 या 1? अच्छा, वो अगर 1x1 मैट्रिक्स में 0 आता है तो उसका क्या होगा? अच्छा, तो सीधी सी बात है, 0 मैट्रिक्स होगा, और क्या हो, आंसर तो सीधा 0 होगा। तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ, ठीक है। वो जो वो मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स, और इसी के बारे में मैं अभी डिस्कस करता आप लोगों से, ठीक है। अभी करने ही वाला था आगे, कि नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका 0 होता है। अब चलिए देखेंगे, ये तो हो गया इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज होगा। जो आपको क्वेश्चन है ना वीरेंद्र, उसको और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी तुरंत, लेकिन दूसरे फॉर्म में निकाल के मैं, ठीक है। अब देखेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से मिल रहा है आपको, किसी भी साइज का हो, एम क्रॉस एन का जो भी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, अब एम क्रॉस एन लेंगे, ठीक है। अब सपोज मैं ले लेता हूँ 4x3 का ले लेता हूँ, ठीक है, 4x3 का ले लिया, ओके। अब इसमें क्या आएंगे, 3x3 के कुछ मैट्रिक्स आएंगे एंड 2x2 के मैट्रिक्स कुछ आएंगे, क्लियर है। अब इन मैट्रिक्स का क्या करेंगे, अब बार बार उनका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे, और देखेंगे 0 हो रहा है कि नहीं, और जहां पे 0 हुआ उसको क्या बोल देंगे, उस जहां पे 0 नहीं हुआ उसको बोल देंगे उसका रैंक है, उसके ऊपर वाले होने चाहिए 0 होने चाहिए। ये कौन तरीका है, बट ये तरीका हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ज्यादा अगर सपोज ऐसा हो गया कि 8x7 मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी 7x7 के मैट्रिक्स हैं, 6x6 के मैट्रिक्स हैं, 5x5 के मैट्रिक्स हैं, 4x4 के मैट्रिक्स हैं, 3x3 के मैट्रिक्स हैं, 2x2 मैट्रिक्स, इतने सारों का क्या करना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उनको चेक करना पड़ेगा कि वो 0 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको बोला जाता है, आप मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स गिवेन है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जस्ट अभी हमने पढ़ा है, क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको एक्लन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एकलन फॉर्म, ठीक है। क्या किया है? देखेंगे, ध्यान देंगे, सभी चीजें समझ में आएगी। एकलन फॉर्म क्या है मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उस पर क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितना भी मैंने बताया था, उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एकलन फॉर्म कन्वर्ट करने का बहुत सारा आपका डेफिनेशन है कि कैसा होना चाहिए, सीधा सीधा एक मैं आपको बताऊंगा, एकलन फॉर्म क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को नाम दे दिया जो ने एकलन फॉर्म दे दिया, क्लियर है। यानी कि क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे एकलन फॉर्म में, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। और ऐसा कन्वर्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज जो भी होगा वो हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा, क्लियर है सभी को। मैंने क्या बोला, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या बताया, कि रो को रो को आपस में चेंज कर दो, या फिर किसी रो में किसी मल्टीप्लाई कर दो किसी स्केलर क्वांटिटी से, या फिर किसी भी रो में क्या क्या करना है आपको, दूसरे रो के साथ ऐड कर दिया किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके, इतना करने के बाद, जो भी ऑपरेशन करने के बाद, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एकलन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। अब एकलन फॉर्म क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है, पता तो होगा एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अब उस अपर ट्रायंगुलर फॉर्म को क्या करना है आपको, उसके नॉन जीरो रो का काउंट करना है, ठीक है, कितने भी उसमें, ऐसा करने के बाद उसमें जितने भी नॉन जीरो रो होंगे वो उसके रैंक के बराबर होंगे, क्लियर है ये बात सभी को। क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ में आएगा, फिलहाल ये बात क्लियर है, यस या नो बताएं, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म, यस पिंकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर्म वही है यार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, कि कोई भी, अब दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स किसी का था, ठीक है, इसका मैंने कुछ रैंक था, ठीक है, इसका रैंक निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, और जो नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जो जो नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ रहा है उसका रैंक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक चीज दिख रहा होगा कि जो रैंक होता है
वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, रैंक डज नॉट चेंज। इस चीज को कहीं पे हाईलाइट करके लिखने होंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि रैंक डज नॉट चेंज विथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से रैंक चेंज नहीं होता, इसीलिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करके उसमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म उसको कन्वर्ट करते हैं और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उसको काउंट करते हैं, जो भी आएगा वो नंबर वो उसका रैंक कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक और समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 4 2 1 4 2 1 3 6 3 4 7 6 3 4 7 2 1 0 1 2 1 0 1, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कोई मैट्रिक्स ए है, इसका आपको रैंक निकालना है, क्लियर है। अब चलिए ध्यान देंगे, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स के थ्रू, इसका मैं रैंक निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को पहले अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो देखेंगे। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कॉलम भी कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो पहले मैंने स्टेटमेंट साथ ही साथ लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन करता हूँ आर वन लिख लेता हूँ, सॉरी आर वन को इंटरचेंज कर देता हूँ आर थ्री से, ठीक है। और तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से देखेंगे, 2 1 0 1 एंड आ जाएगा 4 2 1 3 और ये आ जाएगा 6 3 4 7, ये आएगा देखेंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, ये रो है ना आर थ्री, ये है आर टू और ये है आर वन, उसी तरीके से सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, ठीक है। मैंने क्या किया, आर वन और आर थ्री को इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में आर वन दिख रहा है ये और आर थ्री को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैंने लिखा है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि मैं रो को आपस में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहीं पर अगला स्टेटमेंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह है नहीं ज्यादा, तो मैं क्या करता हूँ आर थ्री के जगह पे मैं लिख देता हूँ आर टू को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, आर थ्री और आर टू को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में, इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर से, ये आ जाएगा 4 2 1 3 एंड ये आ जाएगा 6 3 4 7। यहां तक सभी को क्लियर है, ये एक तरीके से नया मैट्रिक्स बना, ठीक है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, रो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया, यस या नो बताएं, मैंने जो भी किया यहाँ पे देखेंगे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है क्या यार, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स मैंने बनाया, ओके। चलिए उसके बाद क्या करता हूं मैं, आर वन के जगह देखेंगे आर थ्री के जगह पे मैं लिखता हूं आर थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय आर टू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में निकालने के लिए यहाँ पे जीरो चाहिए क्या, यस या नो, यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए और यहाँ पे जीरो चाहिए, ठीक है ना, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ पे जीरो, तभी क्या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले को मैं जीरो करना चाहूँ और इसको जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ क्या, आर थ्री की जगह पे, दैट इज ये आर थ्री है ये आर वन है, आर थ्री की जगह पे सॉरी वन है सॉरी हाँ आर थ्री की जगह पे क्या कर रहा हूँ आर थ्री माइनस थ्री इंटू आर वन, यानी कि 6 - 2 × 3 कर दूंगा, तो क्या नया जो बनने वाला मैट्रिक्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका, जो नया ये ऑपरेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 1 0 1, इस तरीके से, ठीक है, ये तो यही रहने वाला है। सेकेंड वाले पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, दैट इज 4 1 3। थर्ड वाले पे देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 6, अब क्या आ जाएगा ये 6 - 3 × 2, ये आ जाएगा 3 - 3 × 1, यह आ जाएगा 4 - 0 × 3 और यह आ जाएगा 7 - 1 × 3,
ठीक है, इस तरीके से ही आपको दिखेगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद कौन से वाले, थर्ड रो में। सभी को समझ में आया यहाँ पे जो मैंने किया अभी तक, यस या नो बताएंगे? ठीक है, तीन लोगों को समझ में आया, और कोई? हाँ, 3 × R3 − 3 R1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, R3 की जगह पे R3 − 3 R1। मैंने कहा था ना क्या कि ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी रो को मैं किसी का रो के साथ मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से ऐड या सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखेंगे क्या आ जाएगा। 6 − 3 × 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा क्या, दैट इज शून्य। 3 − 3 = 0, 4 − 0 = 4, और ये आ गया 7 − 3, दैट इज 4। क्लियर है आपका सभी को, यस या नो? ठीक है, ये तो आ गया ये। ठीक है, अब अगला मकसद क्या है देखेंगे, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अगला मकसद है इसको मेरे को 0 लाना है, तो इसको 0 मरने का लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R2 की जगह पे मैं लिखूंगा R2 − 2 × R1, यस या नो? देखेंगे क्या लिखूंगा, R2 − 2 × R1 लिख दूंगा, तो क्या यहाँ पे ये जो लाइन है टर्म है ये 0 आ जाएगा क्या? ठीक है ना, आपको इस एलिमेंट को 0 लाना है, इस कारण से आपको पूरे एलिमेंट के साथ पूरे रो को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पूरे रो पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे चलिए मैं लिखता हूँ इसी चीज को, ये ऑपरेशन लगाया मैंने अब कौन सा, R2 की जगह पे R2 − 2 × R1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2। पहले वाले में तो कुछ कर ही नहीं रहे अपन, ठीक है, पहले वाले रो पे कुछ कर नहीं रहे, सेकेंड रो पे अब बात हो रहे, तो दैट इज आ जाएगा 4 − 2 × 2। ठीक है, 2 − क्या आ जाएगा यहाँ पर से, कहाँ गया यार, 2 − 2 × 1, उसके बाद यह आ जाएगा 1, यार ये बहुत ज्यादा ना पास पास आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 − 0 × 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 − 2 × 1। ठीक है, और थर्ड रो तो वही रहने वाला है, दैट इज 0 0 4 एंड 4। चलिए समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये जो भी किया मैंने, अब इस वाले में क्या किया मैंने, ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आया आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं, देखें क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 − 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये भी 2 − 2 क्या आ गया आपका, 0 आ गया, ये आ गया 1 आ गया, और ये आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है, तो आपके पास इस तरीके का ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, अभी ये भी अभी भी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, तभी तो इस तरीके से फॉर्म होगा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। क्लियर है, अब दिखेगा ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा, देखते हैं ना। अरे मिटा दिया मैं, आ रहा था 0 1 1 0 4 4, ये दिख रहा है क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अगला प्रोसेस R3 के जगह पे भी लिख दूंगा R3 − 4 R2। ये क्या करूंगा, R3 − 4 R2, और ये आ जाएगा 2 1 0 1 0, तो सेकेंड वाले पे तो कुछ ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे, थर्ड वाले पे रो पे ऑपरेशन लगा रहे, तो 0 − 0 0 आ जाएगा, 0 − 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 − 4 × 1, और ये आ जाएगा 4 − 4 × 1, इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से ये दिखेगा। ओके, तो अपने पास अल्टीमेटली जो आने वाला है क्या आ गया, ये 4 − 4 क्या आ जाएगा, 0, और ये आ गया 4 − 4 0। अब दिख रहा होगा कि ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है ये मैट्रिक्स, यस या नो? ये जो मैट्रिक्स दिखने वाला है ये क्या दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है। और अगर इस, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, एक्लन फॉर्म में है। ठीक है, क्या फॉर्म में है, एक्लन फॉर्म में है। और इस एक्लन फॉर्म में क्या हमने पढ़ा था कि अगर इस एक्लन फॉर्म में हमने क्या कहते हैं यार, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, मैंने कन्वर्ट करने के बाद जो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसके थ्रू, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और जो भी नॉन जीरो रोज आएंगे, ठीक है, इस एक्लन फॉर्म का जो नॉन जीरो रो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ रैंक हो जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं ये वाला जो रो है नॉन जीरो रो है क्या, ठीक है, ये वाला भी नॉन जीरो रो है, और लेकिन ये वाला क्या है, एक जीरो रो है। क्लियर है, तो इस तरीके से अपने पास दोनों के पास, ये यानी कि दो नॉन जीरो रो है, यानी कि दो नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक आ गया 2। ठीक है, इसका रैंक आ गया, इस मैट्रिक्स का 2 आ जाएगा। क्लियर है, इसका मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा 2, दैट इज नॉन नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 1 2। क्लियर है, यस या नो? ठीक है,
ये अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा गया है, प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जल्दी बन जाता है। ओके, तो इसमें परेशान मत होना कि बहुत लंबा जा रहा है सर, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अभी चाहता तो एक ही लाइन में हो जाता है, तुरंत तीनों जितने भी आप ऑपरेशन कर रहे हो एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए इसी के बारे में बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं। एक सेकेंड ना, सेम क्वेश्चन है, दैट इज एक सेकेंड ना, इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका? 4 2 1 3 1 3 6 3 4 7 6 3 4 7 और क्या था 2 1 0 1 2 1 0 1, ठीक है? मैं एक्चुअली बस बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं है, बस बताना चाह रहा हूँ कि देखेंगे यहाँ पर ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3x4 का मैट्रिक्स है क्या? 3x4 का, तो मैक्सिमम हम 3x3 के बहुत सारे इसमें मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, है ना? तो 3x3 का इसमें मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ पर से, तो क्या आएगा, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है? 11 रो को छोड़ दिया, तो क्या है 4 2 1 6 3 4 2 1 0, इस तरीके से देखा, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने 11 रो को, 11 कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या है 2 1 3 3 4 7 1 0 1, ठीक है? इसके अलावा मैंने क्या किया, इस वाले को छोड़ दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 1 3 6 4 7 एंड 2 0 1, ठीक है? अब इसके अलावा मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया या ले कॉलम को, दैट इज 4 2 3 6 3 7 एंड 2 1 1, ठीक है? इस तरीके से आएंगे, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे कि 3x4 में ही 4 मैट्रिक्स मिल गए 3x3 के। अब इनका क्या करेंगे, आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है? चारों का डिटरमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि जीरो आ रहे हैं या फिर नॉन जीरो आ रहे हैं, ठीक है? जब चेक करेंगे तो सभी के डिटरमिनेंट क्या आएंगे, जीरो आ रहे होंगे, ठीक है? जीरो आ रहे हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कोई मैट्रिक्स उठा लेंगे 2 बाई, अब अगला क्या है, इसके नीचे जाएंगे, दैट इज 2 बाई 2 का, ठीक है? मैंने इसको ले लिया, सपोज इसको नहीं लेते, एक सेकेंड ना, इसको नहीं लेते, कौन सा मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 2 1 याला को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है? याला मैट्रिक्स 2 बाई 2 का लेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 4, ऐसा ले लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 3, दैट इज 5, ये दो की नॉन जीरो हो गया, ठीक है? जो कि नॉन जीरो हो गया, यानी कि 2 बाई 2 इसका रैंक हो गया, और कि सारे ऊपर वाले जितने भी मैट्रिक्स थे उनका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, ठीक है? तो मैं अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा था कि पिछला जो मेथड था वो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है? और एक ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि सारे जितने भी मैट्रिक्स बन रहे हैं उनका डिटरमिनेंट निकालो, उनको चेक करो कि जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको इतने सारे तीन जो डिटरमिनेंट है उनका निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, ठीक है? इन तीनों मैट्रिक्स है इनका डिटरमिनेंट, दैट इज सब मैट्रिक्स है क्या, इनका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो उसके नीचे जाएंगे, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो यही होंगे। तो ये मेथड काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें उसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो उसके रैंक कहलाते हैं। सभी को क्लियर हुआ, यस या नो बताएंगे, यस या नो बताएं, ठीक है? चलो बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें जो शांत बैठे रहते हैं, बोला करो यार, क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जाता है? मैं यहाँ पे इतना देर से बोल रहा हूँ उसको देखो, और आप लोग एक बार नहीं बोल सकते कि हाँ यस यस यू नो सर, स्क्वायर साइज में अपर ट्रायंगल बनाते बन जाता है, ट्रायंगल ड्रॉ कर रही तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म सर स्क्वायर में इस तरीके का बना देते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल के फॉर्म में जैसे बताया मैंने इस तरीके से, याद रखना उसका बनाने का तरीका यही है कि इस तरीके से सपोज जीरो आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? किसी भी नंबर ऑफ कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 0 0 0 ऐसा आ रहा है, तो अगला जो आना चाहिए वो 0 0 3 आना चाहिए, फिर 0 0 ऐसा बनना चाहिए और ऐसा बनना चाहिए, क्लियर है? और इस तरीके से कुछ नंबर आ जाना चाहिए, सपोज ऐसा टाइप का, ठीक है? और आपको दिख रहा होगा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया, ये आपका हो गया 5 बाई 4 का मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? इसका तरीका यही है कि नीचे वाला जो रो है, याद रखना नीचे वाला जो रो है वो उसके मतलब उसमें जितने भी जीरो हैं, अरे यार एक सेकेंड ना, नीचे वाले रो का ऊपर वाले जीरो से ज्यादा एक जीरो होना चाहिए, ठीक
ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। देखिए ना, फाइव है ना, फाइव रो है और फोर कॉलम है। ठीक है दिव्या, एक सेकेंड, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली डॉगी है मेरे पास यहाँ पे, वो परेशान हो रहा है काफी। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ 5 क्रॉस 4 का हो गया। क्लियर है? तो आपको देखना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जीरो को चेक करना है। ठीक है, नीचे वाला जो लाइन का रो है जीरो है, ऊपर वाले से एक ज्यादा होना चाहिए, तो अपर ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से फॉर्म होगा। क्लियर है? ट्रायंगल इसी तरीके का होता है ना, ये देखेंगे ऐसा होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो नीचे ज्यादा रो होंगे एज कम्पेयर टू ऊपर वाले रो। इसी को एक्चुअली ना पता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म तो मैंने बोल दिया है, ठीक है, लेकिन एक्लन फॉर्म में ऐसे ही बोला गया है। एक्लन फॉर्म में ये बोला है कि यहाँ स्टार्टिंग जो लीडिंग जो नंबर है उसको जीरो होना चाहिए पहला, और सेकेंड जो आप बोल रहा है कि जो नेक्स्ट जो रो है उसमें एक्स्ट्रा ज्यादा जीरो होना चाहिए, एक ज्यादा रो जीरो होना चाहिए। सपोज इसका फॉर्म ये ऐसा हुआ, सपोज ऐसा 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 हुआ और ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरीके, तो इसको एक्लन फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पे कुछ सपोज कुछ वैल्यू आ गई इस तरीके से, तो इसको एक्लन फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट वाला जो रो है उसमें कम जीरो है। क्लियर है? आपका एक्लन फॉर्म तभी होता है जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही कहलाता है, जो कि अगला वाला जो रो है उसमें एक्स्ट्रा जीरो होना चाहिए, एडिशनल एक एक्स्ट्रा जीरो होना चाहिए। ठीक है, और पिछले और हमेशा स्टार्टिंग जो लीडिंग जो एलिमेंट है उसका जीरो होना चाहिए। क्लियर है? ये होता है एक्लन फॉर्म। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताएंगे, मेरे को टाइम हो चुका है लगभग, फिर भी क्वेश्चन का क्या है तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25। चलिए, वन वन वन, ठीक है, वन माइनस वन जीरो, और क्या है, वन वन वन, इसका रैंक निकाल के बताएंगे मेरे को जल्दी से। वन वन वन, वन माइनस वन जीरो, वन वन वन, इसका रैंक बताइए मेरे को। हाँ, रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर है। अच्छा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ओके पिंकी, रेक्टेंगल जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात किया था, है ना? स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है, यस या नो बताएंगे? स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है। उसमें क्या है, रेक्टेंगल मतलब वो होता है जिसके आमने सामने का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना? सत्यम का है रैंक 2, इसका है किसका, योगेश का है 2। ठीक है, और देखें और बताएं। बैटरी भी खत्म हो गई है यार मोबाइल की। चलिए देखेंगे जल्दी से, मैं बैटरी खत्म हो रही है मोबाइल की। चलिए ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसको एक्लन फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, मैं ऑपरेशन लिखता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट R3 की जगह पे मैं लिखता हूँ R3 माइनस R1, और R2 की जगह पे लिखता हूँ R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को दोनों जीरो मिल जाएंगे, तो ये आ गया वन वन वन। ठीक है, R2 के प्लेस पे कर रहा हूँ R2 माइनस 1, दैट इज जीरो आ जाएगा, माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो आ जाएगा जीरो जीरो एंड जीरो, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद अभी भी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर के लिए यहाँ पे जीरो चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जीरो। उसके बाद अगला भी प्रोसेस ले सकते हैं चाहो तो, दैट इज R2 की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ, नहीं, ठीक है ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है ये सीधा सीधा। इसको अगर ये नहीं होता तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही ये दिख रहा है आपको,
इस अपर ट्रायंगल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद क्या किया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट किया, तो ये तो जीरो रो है, ठीक है, तो बचे कितने, एक और दो, यानी कि दो आप इसका रैंक हो जाएगा, क्लियर है, इसका रैंक आ जाएगा दो। सभी को समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस मैंने दो ऑपरेशन लगाए, दैट इज R3 की जगह पे R3-1, R2 की जगह पे R2-1। चाहो तो आप क्वेश्चन देख करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते, अब देखो यहाँ पे कितने बाय कितने का है, 3x3 का मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको 3x3 को चेक करना पड़ेगा, फिर 2x2 को चेक करना पड़ेगा, ओके, तो यानी कि अब कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहा हूं मैं, 3x3 को भी चेक करना पड़ेगा, 2x2 को, 3x3 को देखेंगे तो दिख रहा है आपको ये वाला रो और ये वाला रो दोनों क्या सेम है क्या, यस या नो, दोनों क्या है सेम है, और आपको पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट निकालने हैं, अगर दो रो सेम हो जाते हैं, क्या दो रो सेम हो जाते हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट क्या आता है, जीरो आता है, यानी कि इसका रैंक तो 3 नहीं होगा, ठीक है, इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब अगला चलते हैं, 2 के पास चलते हैं, ठीक है, अब 2 में मैं सपोज इसी को ले लेता हूँ, याला मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स को, तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 -1, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1, दैट इज आ गया -2, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 आ गया इसका नॉन जीरो, ठीक है, ये क्या आ गया आपका नॉन जीरो, यानी कि 2x2 इसका रैंक हो जाएगा। तो चाहो तो आप इतना करना चाहते तो करें, जो कि हालांकि 1 ही मिनट लगा, ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसा देख करके भी आंसर निकाल सकते थे कि 3x3 था, इसका डिटर्मिनेंट तो खुद जीरो आ रहा है, यानी कि 2x2 पे जाएंगे, 2x2 पे देखेंगे तो इतना को बस देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख करके भी आप निकाल सकते हैं, बट कभी आपको जनरली इसका प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को समझ में आया रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरीके से निकालना होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का खास बात यह है कि उसमें घुमा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सिंपली जो है बस आपको प्रोसेस करना और निकालना है, ठीक है, वो अपने आप में उतना ही कॉम्प्लिकेट है जितना होना चाहिए, क्लियर है, तो ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा अभी तक हमने पढ़ा थे जितने भी ट्रिक विक हिंट से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, जितने भी इनवर्ट के, एडजॉइंट के, या फिर ट्रांसपोज के, जितने बहुत सारे ट्रिक्स यूज हो रहे थे उसमें, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, क्वेश्चन सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस जितना भी है, इसमें ट्रिक की सॉल्यूशन जरूरत नहीं है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है, आज आज सभी जितने भी क्वेश्चन में मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन भेजूंगा, सभी के रैंक जैसा मैंने बताया उसी तरीके से निकालना होता है, ओके, सभी को क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन को कल हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो लगेगा आप बताना कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है नहीं करना है, सभी का मेथड वही तरीका जैसा एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्राई करके बताएंगे क्वेश्चन जो भी है, क्लियर है, तो अभी तक सभी को समझ में आया जो भी पढ़ाया अभी तक, नहीं नहीं यार पिंकी अभी